चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मतदान 12 नवंबर को होगा और मतों की गिनती का काम 8 दिसंबर को होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में 55 लाख योग्य मतदाता हैं, जिनमें से 1,86,000 पहली बार वोट देने वाले युवा हैं। वहीं गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए चुनाव भी आगामी महीनों में होने हैं, जिसकी तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। आमतौर पर किसी राज्य में चुनाव होने से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा के लिए राज्य का दौरा करती है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में टीम ने 22 से 24 सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है, जबकि 26 से 27 सितंबर को गुजरात का दौरा किया। इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग की टीम ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात विधानसभा में पिछला चुनाव दिसंबर 2017 में दो चरणों में हुआ था। पहले चरण के लिए 9 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को हुई थी। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी और कुछ दिनों तक चले सियासी घमासान के बाद विजय रूपाणी 26 दिसंबर 2017 को राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। गुजरात सरकार का कार्यकाल 23 फरवरी 2023 को पूरा हो रहा है। इसे देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी दिसंबर महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। 182 सदस्य विधानसभा में 150 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को 99 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि कांग्रेस 77 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। एनसीपी को 1, बीटीपी को 2 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि राज्य की 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी। परंपरागत रूप से गुजरात में दो मुख्य दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच एक प्रतियोगिता रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी लड़ाई में प्रवेश कर रही है, जो दो मुख्य दलों की गणितीय समीकरण को गड़बड़ा सकती है। हालांकि कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि गुजरात में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगी। वैसे दिलचस्प यह भी है कि इन दिनों भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे राहुल गांधी की इस यात्रा में ना तो गुजरात शामिल है और ना ही हिमाचल प्रदेश। अभी यह भी तय नहीं है कि वे इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे भी या नहीं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार में नंबर दो माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य गुजरात ही है, और ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2022 में 15वें विधानसभा चुनाव के दौरान नागरिक आखिरी बार 182 विधायकों का चुनाव करेंगे। इसके बाद संवैधानिक प्रतिबंध हटने से गुजरात में विधानसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना संभव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से कहा कि इस साल गुजरात में 4,83,00,000 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा, राज्य में 182 सीटों के लिए 51,782 मतदान केंद्र और प्रति मतदान केंद्र 934 मतदाता होंगे। कुल मतदान केंद्रों में से सर्वाधिक 34,276 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में 17,506 मतदान केंद्र होंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के लिए 9 नवंबर को वोट डाले गए थे, लेकिन इसके बाद लोगों ने एक महीने से भी ज़्यादा समय तक नतीजे का इंतज़ार किया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव भले अलग अलग हुए हों, लेकिन मतों की गिनती का काम एक बार में शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने पहली बार बहुमत हासिल किया था। बीजेपी को राज्य में 44 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। सीएपीएम को 2 सीटें मिली थी, जबकि अन्य दलों को 2 सीटें मिली थी। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।